बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना हेल्थ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। जो भी लोग आप लोग कमेंट करते हैं उसी के मैं यहाँ पे आंसर देने वाली हूँ। और मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, जो भी लोग पैराग्राफ में अपने क्वेश्चन लिखते हैं मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं यहाँ पर उनके आंसर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि पैराग्राफ को एक पूरा पैराग्राफ रीड करने के लिए 5 से 8 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर मैं आपको टिप्स बताऊँ। तो देखें यहाँ पर क्या होता है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है और जो ये वीडियो देख रहा है उसका भी टाइम वेस्ट होता है। तो आप जो है किसी का भी टाइम ना वेस्ट करें, सीधा सुपर चैट के ऊपर आइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे आप सुपर चैट को बाय कीजिए, वहाँ पे आपका जो है नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको पर्सनली कॉल करूँगी और आपकी जो कंडीशन है उसको सुनने के बाद मैं टिप्स बताऊँगी। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जो भी बोलते हैं कि मैडम मेरी ये कंडीशन आप टिप्स बता दीजिए, उन सबको मैं बोलना चाहूँगी प्लीज़ आप सुपर चैट के ऊपर आइए, वहाँ पर आपकी मैं पूरी कंडीशन सुनने के बाद ही आपको जो है टिप्स दूँगी। ठीक है, क्योंकि आप यूट्यूब पर जो मैसेज लिखते हैं ना उसके अंदर आप पूरी चीज़ें नहीं लिखते। ठीक है, जब मैं आप लोगों से पर्सनली बात करती हूँ तब मुझे पता चलता कि हाँ आपको ये कंडीशन है, आप इतने साल से ट्राई कर रहे थे, आपकी एज ये है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही मैं कोई टिप्स आपको देती हूँ। ठीक है, तो सबसे अच्छा यही होगा आप किसी का भी टाइम ना वेस्ट करें, सीधा आप आइए सुपर चैट के ऊपर, मैं वहाँ पे आपसे बात करूँगी और आपको टिप्स भी दूंगी। ठीक है, सुपर चैट पे कैसे कांटेक्ट करना है, यहाँ पे नीचे जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है इसके ऊपर आप मेल कर दीजिए, वहाँ पे आपको गाइड कर देंगे सुपर चैट को कैसे बाय करना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सबीना अंसारी। मैम, मुझे थायराइड है, मेरे पीरियड का 1 पार्ट में 2 सीड्स खानी है और 2nd पार्ट में दो सीड्स खानी है, मैं सनफ्लावर सीड हटा दूँ तो सिर्फ तिल के ही बीज खाऊँ या फिर 2 पार्ट्स में, प्लीज़ रिप्लाई मी। डियर, हाँ, आपको जो है जो पहला पार्ट होगा उसमें 2 तरह की बीज खानी है, अलसी के बीज और पम्पकिन सीड। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा जो आपके पीरियड के 15वें दिन से स्टार्ट होगा उसमें आपको सनफ्लावर सीड नहीं खानी है, सिर्फ सेसमे सीड को ही खानी। रसम श्रद्धा, मैम ओवरी में सिस्ट होने से कंसीव नहीं हो रहा है, मैं आपकी कौन सी रेमेडी को फॉलो करूँ, प्लीज़ इसके लिए बताइए। डियर, सबसे पहले तो आप अपनी जो ओवरी के अंदर जो सिस्ट है उसको क्लियर कीजिए। आप मेरा वीडियो देखिए, ओवरी के सिस्ट के लिए मैंने बताया है कॉकटेल, उसको इस्तेमाल कीजिए। ओवरी की सिस्ट जब क्लियर हो जाएगी तो आपको नेचुरली भी कंसीव हो जाएगा। शबानाज मेमन, मैम प्लीज़ बताइए मक्का रूट पाउडर को भूंगराज पाउडर बोलते हैं क्या? डियर नहीं, इसको भूंगराज पाउडर बिल्कुल नहीं बोलते हैं। मैं जब लिंक देती हूँ ना तो उसके अंदर मक्का रूट का भी लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि मक्का रूट क्या है। ठीक है, अम्बिले बीजू आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा है, प्लीज़ आप सीधा सुपर चैट के ऊपर आइए। ठीक है, प्रिया सिंह, अलसी को भून के खा सकते हैं क्या? जी नहीं, आपको भूनना नहीं है इसको, सीधा आपको जो है जैसे आता है मार्केट से उसको पीस लीजिए, पीस के इसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, चबाना भी नहीं है इसको, सिर्फ पाउडर फॉर्म में ही लेना है। नगमा शेख, शुक्रिया मैम रिप्लाई के लिए, हीना जी अल्लाह से दुआ कीजिए मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। जी इंशाल्लाह ज़रूर। रहीम शेख, अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरे IUI को 1 मंथ हो चुका है, पीरियड में हुए 20 डेज हुए हैं, क्या मेरा IUI सक्सेसफुल हुआ होगा, किट भी नेगेटिव बता रहा है। डियर देखिए, अगर किट में नेगेटिव बता रहा है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं लगी होगी, लग जाती तो वो पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, राजविंदर कौर, मैम अस्सलाम वालेकुम, मेरा ओवरवेट है और रेगुलर पीरियड है, कैसे कंसीव करूँ, 8 साल का बेटा है। डियर, अगर आपके रेगुलर पीरियड है तो आप जो है ओवुलेशन को ट्रैक करो और इन दिनों में ट्राई करें। ठीक है, जमशाद खान, अस्सलाम वालेकुम, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं पर बच्चा नहीं है, सबको घर में बच्चा चाहिए बट मुझे नहीं हो रहा है, हेल्प मी। डियर, आपने सिर्फ इतना बताया कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आपने पूरी प्रॉब्लम बताई नहीं है। ठीक है, नीदा फातिमा, मैम मॉर्निंग में अलसी मेथी दाना लेती हूँ, वेट लॉस सीड साइकिलिंग के 2nd फेज में लेती हूँ, उसमें अलसी रिपीट होगी तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं डियर, नुकसान तो नहीं होगा लेकिन मैं बोलूँगी कि रिपीट मत करो आप। ठीक है, मोहम्मद मंजूर, हाय हीना जी कैसे हो? अफसाना, मैं टेंशन फ्री कैसे रहूं, मुझे प्रेगनेंसी नहीं लगती, मैं बहुत टेंशन में हूं। डियर, आप ना सुबह में उठ के मेडिटेशन वगैरह करो, योगासन वगैरह करो, आपका जो स्ट्रेस है वो ऐसे ही रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, शेख फहमीदा, मैम मुझे आज तक रिप्लाई नहीं मिला। शेख फहमीदा, आपको जो है मैंने बहुत बार रिप्लाई दिया है, शायद आप मेरा वीडियो नहीं देखते इसलिए आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, मुझे आपका नाम अच्छी तरीके से याद है, मैंने बहुत बार आपको रिप्लाई दिया है। ठीक है, शेख नुमान, अस्सलाम वालेकुम दी, सीड साइकिलिंग के साथ नाभी बूटी ले सकते हैं क्या? जी नहीं, सीड साइकिलिंग के साथ नाभी बूटी नहीं लेना है। ठीक है,
टीटू कुमार, मैं मेरी वाइफ को 16-17 जून को स्पॉट आया था, लेकिन 18 को पीरियड सही से होने लगे। फिर मैं 23 जुलाई को यूरिन टेस्ट करवाया तो नेगेटिव रिजल्ट आया। मैम, लक्षण तो प्रेगनेंसी के ही है, प्लीज़ मैम रिप्लाई मी। डियर, देखिए, आपका जब पीरियड आ गया था तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराओगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी नहीं लगी है। कभी कभी हमारी बॉडी में ऐसा लगता है हमको कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपको प्रेगनेंसी हो, ठीक है। पर आप परवीन, मैम सी सेकलिंग किस दिन से खाना? आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी अपना सी सेकलिंग वाला वीडियो देखो, उसके अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। पीरियड के पहले दिन से ही आपको सी सेकलिंग करनी है, ठीक है। सी सेकलिंग का मेरा वीडियो देखिए। मीनल सीमल, मैम बताओ सी सेकलिंग को फ्राई करके लेना है क्या? मीना चैटर्जी, डियर नहीं, आपको इसको फ्राई करके नहीं लेना है। जैसे ही मार्केट से आती है उसको पीस के अलग अलग कंटेनर में रख के वैसे ही इस्तेमाल करना है। इसको ना ही भूनना है और ना ही इसको फ्राई करना है, ठीक है। अनमोल रंधावा, मैम मेरे एग का साइज़ 51 है, प्लीज़ मुझे बताओ कैसे नॉर्मल होगा। डियर, शायद आपको PCOD का प्रॉब्लम है, इसलिए आपका एग का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो डॉक्टर से पहले चेकअप करवाइए कि किस लिए इतना बढ़ गया है। सैयद मंजूर, प्लीज़ मेरा रिप्लाई दीजिए, मुझे PCOS का प्रॉब्लम है, मैं सीड साइकिलिंग इस्तेमाल कर सकती हूँ क्या? जी हाँ, आप कर सकते हैं, ठीक है। दानाश्री गुप्ता, मैम मेरी पिछली बार का पीरियड 27 को आया था, इस बार में 24 को ही आया है, तो मेरा ओवुलेशन टेस्ट कब से चेक करना है? मैम प्लीज़ रिप्लाई मी। डियर, आप है ना अपने पीरियड के 10वें दिन या फिर 11वें दिन से अपना ओवुलेशन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। शगुफ्ता खान, मैम अस्सलाम वालेकुम, आप ही मेरी शादी को 7 ईयर शुरू हुए हैं और 3 ईयर्स पहले मेरा 2 मिसकैरेज हुआ है। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हस्बैंड की भी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। इस मंथ मेरा 2 IUI फेल हो गया है, मुझे प्लीज़ कॉल करिए। डियर देखिए, आप सीधा सुपर चैट के ऊपर, मैं आपको कैसे कॉल करूंगी? सुपर चैट आप जब बाय करेंगे ना, तो आप वहां पे अपना नंबर छोड़ देना, मैं आपको खुद ही कॉल कर लूंगी, ठीक है। खुशबू अखियाना, हाय मैम, मेरे पीरियड 5 मई को आए थे, उसके बाद अभी तक नहीं आए। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, बट ये भी बोला है कि हम ट्राई करेंगे नेचुरली पीरियड आ जाए, प्लीज़ हेल्प मी, मैं क्या करूँ? डियर, आप मेरा जो पीरियड वाला वीडियो है वो देखिए, पीरियड को कैसे रेगुलरली लाना है। लेकिन अगर अभी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है तो उससे ही आपको नेचुरली आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकी है तो आप रोज़ जो है 500 ग्राम पपैया खाइए, उससे भी आपको पीरियड आ जाएगा। कृष्णा पटेल, मैम मेरे 3 मंथ दे इलाज चल रहा है इनफर्टिलिटी का, जब से इलाज चल रहा है ओवुलेशन होने के 2-3 दिन बाद पीरियड जैसा पेन होता है, कमर में क्या मतलब है इसका? 3 मंथ से ऐसा हो रहा है। डियर देखिए, ऐसा होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, ठीक है। अभी मुझे तो नहीं पता है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मे बी शायद हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा हो रहा होगा, ये नॉर्मल है, बहुत सारी महिलाओं को ऐसा होता है। जलपा गोस्वामी, हाय मैम, आपने मुझे आंसर नहीं दिया, प्लीज़ हेल्प मी, गिव मी आंसर प्लीज़। मेरा AMH लेवल और एग क्वालिटी कम है, क्या करूँ? 3 ईयर्स हो गए हैं, एज 27 है। डियर देखिए, मैंने AMH के ऊपर भी वीडियो बनाया है और एग की क्वालिटी के लिए भी वीडियो बनाया है, आप वो दोनों भी वीडियो फॉलो कीजिए और जो है साथ में डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी लीजिए। सुष्मिता सिन्हा, HSG टेस्ट क्या होता है? डियर, HSG टेस्ट उसको कहते हैं जो हमारे फैलोपियन ट्यूब्स खुले हैं या नहीं, ये पता लगाते हैं डॉक्टर इस टेस्ट से, ठीक है। इससे क्या होता है, नीचे एक डाई हैं जिससे पता चलता है कि आपकी जो ट्यूब्स है वो खुली हुई है या फिर बंद है। दिव्या सोनी, हाय मैम, मेरे हस्बैंड का स्पर्म कम है, डॉक्टर ने बोल दिया है मुझे IVF के लिए, क्या कोई उपाय है? क्या ये IVF कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं होती है, प्लीज़ रिप्लाई मी। डियर देखिए, IVF से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म काउंट कम है तो आप उसका इलाज करवाइए। देखिए, अगर नेचुरली कंसीव हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे वीडियोज़ में भी आपको जो स्पर्म काउंट और मोटिलिटी कैसे इंक्रीज़ करना है उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा, उसको भी ट्राई करके देखो, डॉक्टर के ट्रीटमेंट भी देखे देखो, शायद आपको नेचुरली कंसीव हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर IVF के लिए ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ना हुसैन नाजो, मैम मुझे बता दो, मेरे पीरियड्स इररेगुलर हैं, मैं सी साइकिलिंग कैसे यूज़ करूँ, क्या करना होगा? 55 डेज़ का है पीरियड, आसांस भी करती हूँ और काली किशमिश का पानी भी ठीक है, ओवुलेशन कब होगा? डियर, आपका ओवुलेशन कब होगा उसके लिए आपको ओवुलेशन किट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। 55 डेज़ आपका जो पीरियड साइकिल है बहुत ही लंबा है, ठीक है, तो इसमें आपको सी साइकिलिंग जो है नहीं करना चाहिए। आप मक्का रूट का इस्तेमाल कीजिए, दिन में 2 बार कभी भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में मिला के खा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपना पीरियड जो है उसको रेगुलर करिए, 28-30 डेज का जब वो आ जाता है आपका पीरियड साइकिल, तो आप सीड साइकिलिंग भी कर सकते हैं। जिन भी लोगों ने बड़े बड़े मैसेज लिखे हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ में, मैं उनको बोलूंगी सीधा सुपर चैट के ऊपर आओ, मैं यहाँ पे उनके भी नाम ले लेती हूँ। शगुफ्ता खान, तमन्ना भंडारी और सुधा आबे, रजिक खान, शबीना अली, SK राजू, रोशनी अली, सबीना अली, नीलोफर रिजवान, सतनाम सिंह, शमा परवीन, मुस्कान सादिया, समीना सुल्तान, आफरीन जकीर, प्रिया वर्मा,
ये सारे लोगों ने बड़े बड़े मैसेज लिखे, मैं आप लोगों को बोलूँगी सीधा सुपर चैट के ऊपर आओ, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े मैसेजेस को रीड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और आप लोग मैसेज में कितना लिखोगे मैं आपकी कंडीशन थोड़ी ही जान सकती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कितने साल से ट्राई कर रहे हैं, आपकी एज क्या है, ठीक है। अगर आपको जो है टिप्स वगैरह चाहिए या फिर कोई ओपिनियन चाहिए, सजेशन चाहिए, तो प्लीज़ सुपर चैट के ऊपर आइए और वहाँ पे मुझसे बात कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली कॉल करूँगी और आपकी कंडीशन सुनने के बाद में मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई भी दूँगी। चाहे तो आप मुझे जो है चैट पे भी बात कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अपना नंबर वहाँ पे छोड़ देना, मैं आपको खुद डायरेक्टली कॉल कर लूँगी। आपको सिर्फ सुपर चैट वहाँ पे बाय करना है, वो आपको बता देंगे कैसे बाय करना है, ठीक है।